जोरदार तालियां बजाइए भाई दिनेश बाबू। सर क्या है कि मैंने परिचय कराया था कि ये दो लोग कौन हैं, तो जब तक ये नहीं बुलाते तो मैं आता ही नहीं, क्योंकि उनका बुलाना बहुत ज़रूरी था। मेरा नंबर है, मुझे आना चाहिए। मैं राहा साहब को प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, तेज भैया को। डॉक्टरों की बात की, मैंने एक डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगाते हो तो ऐसा ऊपर क्यों करते हो? तो डॉक्टर ने कहा कि हम भगवान से कह रहे होते कि भगवान तेरे भरोसे लगा रहा हूँ। तो मैं भी आपके सामने भगवान भरोसे आ गया हूँ। अगर आप ताली वाली बजा दोगे तो मैं भी अपना काम करके निकल लूंगा। हाँ नहीं, वो तो मैं बताऊंगा। देखो बिहार, झारखंड के आदमी हो आप, बिहार का आदमी मंदिर जाता है तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहाँ से भगवान भी दिखे और चप्पल भी। और झारखंड का आदमी जाता है तो वो ऐसा नहीं करता, वो एक चप्पल मंदिर के इस कोने रखता है और दूसरा इस कोने रखता है। किसी का बाप नहीं चुरा सकता, इसलिए बिहार वालों ने झारखंड वालों को अलग कर दिया। भाई साहब बोले तुम हमसे ज़्यादा दिमाग वाले, तुम अलग हो जाओ। भाई साहब मैं जानता हूँ, अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजा दीजिए आप लोग, मैं काम करूँगा। काम 10 मिनट जो भी मेरे हिस्से में, बहुत अच्छा है। महिलाएँ बैठी हुई हैं, क्या मन से सुन रही हैं। मुझे तो याद है 2 महिलाएँ आम के पेड़ के नीचे 1.5 घंटे तक बात की। तो कहे आम का फल बिन मौसम के ही गिर गया। तो दोनों ने कहा आम का फल कैसे गिरा, आम का फल कैसे गिरा? तो आम ने खुद ही कहा मैं पक गया था। बिना मौसम के पका देने की कला जिनके पास हो भाई साहब, वो हमें सुन रही है, कितने बड़ी बात है भाई साहब। लेकिन सही बताता हूँ, ये कला है। लेकिन महिलाएं महिलाएं, सर मैं स्कूल की बात बता रहा था। मुझे सच बताऊं, मैं रोज स्कूल नहीं जाता था, 4-5 दिन के बाद एक दिन चले जाता था। तो मास्टर ने एक दिन बोला क्यों तू रोज नहीं आता है वे? मैंने कहा मेरे पिताजी ने कहा कि एक ही जगह बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है, हम नहीं आते हैं रोज, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जो पिताजी सिखाएंगे वही करेंगे ना भाई साहब, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सही बता दूं, लेकिन मैं सर कभी फेल नहीं हुआ। उसका कारण ये नहीं था कि मैं बड़ा अच्छा था, उसका कारण ये था कि जो परीक्षा में मुझसे पूछा जाता था वो मेरी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे जज साहब, वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। इसी चक्कर में हर साल हम पास हो जाते थे। मास्टर को लगता था साला सही में लिख दिया, वो अपनी डिग्री खतरे में आ जाएगी, इसको पास करो जल्दी से। हम ऐसे ही पास हुए सर, जीवन भर में। सही बताता हूँ, हमारा अलग, और कब जो सम्मान मुझे स्कूल में मिला आप लोगों को क्या मिला होगा? मैं कभी स्कूल में बिठाया नहीं गया सर, जब खड़ा किया जाता था बेंच पर जाता था, बेंच पर खड़ा कर दिया। आदर्श था सर मैं स्कूल का, कोई खड़ा किया जाता क्या सर ऐसे? जो इज्जत मुझे मिली है वो आज आपको भी नहीं मिली होगी सर, मंच पर भी बुला के नहीं मिली होगी, जो मुझे इज्जत नहीं। अद्भुत, हम बिहार, बिहार का आदमी सर, एक बिहार का आदमी मच्छरदानी खरीद के लाया तो उसमें छेद था, तो वापस करने नहीं गया, उसके ठीक 1 फिट पे दूसरा छेद किया और उसमें एक पाइप फंसाई, मच्छर इधर से घुसता। जब तक सारे लोग ताली नहीं बजाएंगे मच्छर उस तरफ नहीं जाएगा भाई साहब। जो आदमी मच्छर का बाईपास बना दे वो सूरत में धंधा चमका सकता है भाई साहब। सच बताता हूँ, ऐसे थोड़ी ना स्थापना दिवस मना रहे हैं, कमाल के लोग हो आप लोग यार। हम तो गर्व है, घमंड है हमारा आपका। बता लोग कहते हैं ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है सर। मेरे तो इस स्कूल में सर जिस में पढ़ता था एक इंस्पेक्टर जांच करने आया, जैसे आप लोग जाते हैं जांच करने, वैसे वो भी आया। तो एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? तो बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है वे? तो बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। व्यंग भी समझना साहब, आपको आनंद आएगा मैं सब बता। वो इंस्पेक्टर भन्ना गया, बोला यार क्या बात कर रहा है, तेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? बच्चे ने कहा मास्टर जी ज़्यादा बड़बड़ मत करो, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा, अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा?
वो बनना गया। उसने मास्टर को डांटना, क्या करते हो बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुदा ही नहीं है, असली हमारे चाचा जी हैं, मुकदमा लड़ने गए हैं, उन्होंने बोला जा संभाल के संभालने के चक्कर में हम पहली बार स्कूल आए हैं। अब इंस्पेक्टर को तो चक्कर आ गया। हाँ, उसने हेडमास्टर के कैबिन में बैठ किस बात की सरकार तनख्वाह दे रही है, बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूँ, असली हमारे चाचा जी हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ पे 10,000 रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा, अगला व्यंग अच्छा लग जाए तो बताना साहब। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। और इसके बाद वाली बात पे तो ऊपर वाले भी हाथ उठा देंगे साहब, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था,